मथुरा जिले के गांव आमला सुल्तानपुर में बालाजी महाराज के मंदिर पर स्वामी रुद्रदेवानंद जी महाराज के द्वारा योगानंद आश्रम वृंदावन की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। गांव के पूर्व प्रधान ठाकुर हरि सिंह ने बताया कि मन्नतें पूरी होने पर भंडारा प्रसादी वितरण आदि कार्यक्रम होते रहते हैं। नवबारा समाचार मथुरा उत्तर प्रदेश से रवि बघेल। मेरा नाम है ठाकुर हरि सिंह पुर के। गांव का नाम आमला सुल्तान। तो ये जो आश्रम है ये इसी गांव में है? हाँ जी। तो जिले का नाम मथुरा। तो सर जैसे कि यहाँ पर ये लगभग ये जैसे आज यहाँ पर भंडारा ये हो रहा है, क्या इस तरीके से होता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पर भंडारे हर मंगलवार शनिवार पूर्णमासी इनको होते रहते हैं। आज का भंडारा ये देवानंद आश्रम योगानंद आश्रम वृंदावन से जी। चलिए बहुत अच्छा। मेरा परिचय जो है वृंदावन में योगानंद आश्रम है मोती जी पर, वहाँ से मैं वहाँ का संस्थापक हूँ और मेरा नाम है महामंडलेश्वर रुद्रदेवानंद। आज हम लोग जो है यहाँ ये बरारी के पास में जो है ये गांव पड़ता है आमला सुल्तानपुर गांव पड़ता है, उसमें हनुमान जी का मंदिर है बालाजी महाराज का। और यहाँ बालाजी महाराज के मंदिर पे मंगलवार को पूर्णमासी को शनिवार को जो है भंडारा निरंतर होता रहता है। आज का जो भंडारे का प्रकल्प था वो योगानंद आश्रम मोती जी वृंदावन की तरफ से था और अक्सर यहाँ भंडारा होता रहता है। एक ये दिव्य अलौकिक स्थान है, जो व्यक्ति हर जगह से हताश निराश परेशान हो जाता है, जिसको कहीं भी कोई समाधान की प्राप्ति नहीं होती है, वो फिर जो है बालाजी महाराज की शरण को ग्रहण करता है। और बालाजी महाराज की शरण ग्रहण करने के बाद में उसमें बालाजी महाराज ऐसे हैं जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को जो है कितनी भी गलतियाँ करता है, कितना भी कुछ उत्पात करता है और जहाँ दुग्धपान करता है और लात भी मारता है, ऐसे बच्चे को भी माँ क्षमा कर देती है, उस प्रकार से बालाजी महाराज जी का स्वरूप है यहाँ। और इसीलिए बालाजी महाराज कहा जाता है इनको। बालाजी महाराज बच्चे को जो है कितनी भी गलतियाँ करने के बावजूद भी बच्चा अगर यहाँ आता है उस बच्चे के जितने भी अवगुण हैं उन अवगुणों का सेवन कर देते हैं, उन अवगुणों को दूर कर देते हैं। आज आपने भंडारे में लगभग कितने लोगों को प्रसाद जो भोजन ग्रहण कराया? लगभग आज हमारे जो इस मंदिर के जो है सब सर्वे सर्वा जो है हमारे हरि सिंह प्रधान जी जो है जिन्होंने पहले पूर्व प्रधान रहे, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो साक्षात बालाजी महाराज ने उनको यहाँ प्रधान बना रखा है। कोई किसी को चाहे तो नहीं बना सकता, लेकिन बालाजी महाराज जिसको चाहे उसको प्रधान क्या उप प्रधान सब कुछ बना सकते हैं। ऐसे ही आज उनको भी जो है यहाँ पूरा मंदिर का जो जिस तरीके से वो कार्यभार करते हैं और सुबह 5:30 बजे आरती करते हैं, फिर उसके बाद में चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी को, फिर उसके बाद में आरती करते हैं, नाना प्रकार के जो पूरा जिस प्रकार से अपने जीवन को उन्होंने प्रधानी में व्यतीत किया, आज जो है ठाकुर जी की मेरे बालाजी हनुमान जी की सेवा में जो है उस पूरे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो कि सुबह 4 बजे से उनका क्रियाकलाप चालू होता है और शाम के जो 10 बजे तक उनका क्रियाकलाप चलता है। आज उसी जगह पर जो है हमने जो है ये भंडारे का आयोजन रखा।